क्या क्या प्रभु ने कृपा की, हमें शासन में जन्म दे दिया, कितना उपकार कर दिया। शासन के बिना की जिंदगी सोचता हूं ना, अंदर से कंपन होता है। अगर हमारा जन्म प्रभु के शासन में नहीं हुआ होता तो क्या होता, हमारा क्या होता, ये धर्म ही नहीं मिला होता प्रभु का। हमारे जीवन में शायद संपत्ति होती, हमारे जीवन में परिवार होता, हमारे जीवन में सुख सुविधाएं होती, लेकिन प्रभु का शासन नहीं होता तो उसके बिना के बिना की जिंदगी की कल्पना करो ना तो अंदर कंपन उठता है। लेकिन सच में प्रभु का शासन मिलने के बाद हमने प्रभु के शासन को जिया नहीं है। हमारे जीवन में प्रभु के शासन की आराधना साधना वैसा जीवन नहीं है जो भगवान ने बताया है। और एक बात समझ लो, जो मिली हुई चीज है ना, जो मिला है ना, उसका सदुपयोग नहीं होगा ना। एक मैथमेटिक्स है, क्लियर मैथमेटिक्स है, जो चीज मिलती है ना, अगर उसका सदुपयोग नहीं होता है ना, वो चीज जीवन में अगले भव में नहीं मिलती है। प्रभु का शासन मिलने के बाद भी प्रभु के शासन को अगर हमने नहीं समझा, प्रभु जी के शासन को हमने नहीं स्वीकार किया, प्रभु के शासन को सद्भाव के साथ नहीं अपनाया, अगले भव में सब कुछ होगा, शासन नहीं होगा, नहीं होगा। इंदौर में व्याख्यान था महात्मा का, पूज्य रत्न सुंदर सरस्वती महाराज का, चातुर्मास में। 8, 10, 12 साल की बच्चिया, 12 बच्चिया, छोटी छोटी बच्चिया, मैक्सिमम उम्र 12 साल, 6 साल से लेकर 12 साल की छोटी छोटी बच्चिया, ब्लाइंड, आंखों से आंखें नहीं, छोटी छोटी बच्चिया आई, बैठी। एक बच्चे के हाथ में हारमोनियम था, किसी के हाथ में मंजीरा था, किसी के हाथ में खंजरी थी, और वहां बैठकर उन्होंने गाना शुरू किया, छोटी छोटी बच्चियां। और वो गाने के जो शब्द थे, उन शब्दों का अर्थ ये था कि भगवान, भगवान समुद्र के किनारे तो मैं जा सकती हूँ मम्मी का हाथ पकड़कर। कभी कभी टीचर भी हमें सागर किनारे लेकर जाते हैं, सागर की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो विशाल सागर को, समुद्र को मैं देख नहीं सकती भगवान, वो कैसा है, उसकी आवाज महसूस होती है, लेकिन उसकी, उसको देखने का सौभाग्य हमें नहीं मिला, क्योंकि हम अंधे हैं, हम अंधे। प्रभु जब जब मम्मी का हाथ पकड़कर गार्डन जाती हूँ, मुझे पार्क में लेकर जाती है, मैं वहां वो गुलाब की खुशबू को महसूस कर सकती हूँ, वहां के फ्लावर्स होते हैं उसकी खुशबू सुगंध में महसूस कर सकती हूँ, लेकिन उस गुलाब के सौंदर्य को देख नहीं सकती, देख नहीं सकती वो गुलाब कैसा है। और भगवान आगे उन्होंने लिखते बोलते गाने में इतने पराकाष्ठा वाले शब्द आ गए, भगवान मैं, भगवान मेरी माँ है ना, माँ उसकी ममता को मैं महसूस कर सकती हूँ, माँ का स्पर्श भी मैं महसूस कर सकती हूँ, वो ममता वाला स्पर्श भी महसूस कर सकती हूँ, लेकिन मेरी माँ को मैं देख नहीं सकती भगवान, इससे बड़ी बदनसीबी मेरी क्या होगी। महात्मा के आंखों में आंसू, गाना बीच में बंद करवा दिया क्योंकि सहन नहीं हो रहा है, आपको आंखें मिली है ना, इसलिए हमें मालूम नहीं आंखों की कीमत क्या है, अंधे को पूछो आंखों की कीमत क्या होती है, जिसके पैर नहीं है ना उसको पूछो पैरों की कीमत क्या है, और जिन हमें शासन मिला है ना, जिसको शासन नहीं मिला है ना उसको पूछो शासन की कीमत क्या होती है। किसी भाव में आंखों से नहीं देखने जैसे दृश्य देखे होगे, रात को मोबाइल खोल खोल कर जो नहीं देखने जैसे दृश्य वो देखे होगे, तो अगले भाव में प्रकृति का नियम है, मैथमेटिक्स है, आंखें छीनी गई, जो चीज का दुरुपयोग हुआ, बेदरकारी हुई, वो चीज चुनी जाएगी। सारी समस्याओं को सुलझाना आसान कर सर्व दुख अब